वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्लम एरिया में पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे। साथ ही केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों भी लिया। दिल्ली के स्लम में बीजेपी की सम्मान यात्रा। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर आदेश का आश्वासन। जहां झुग्गी वहां पक्का घर। भले ही दिल्ली में चुनाव न हो, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता अभी एक्टिव हैं। दिल्ली के कीर्ति नगर की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर आदेश गुप्ता ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी बांटे गए। इस दौरान आदेश ने जहां झुग्गी वहां पक्के मकान का आश्वासन भी दिया। झुग्गी वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए संवाद कायम करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वासियों के सम्मान में आज भारतीय जनता पार्टी उनका भाई आदेश गुप्ता मैदान में है। ये आज हम सब लोगों से बातचीत करके वहां समस्याएं सुनकर उनका समाधान निकाले। वहीं इस दौरान आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों में लिया और आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार झुग्गी में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने से भाग रही है। दिल्ली में पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार ने झुग्गी वासियों के लिए जो वादे किए वो कभी पूरे नहीं किए। झुग्गी वासी जो दिल्ली के निर्माण और विकास में भागीदार हैं, उनको सही जीवन और स्वस्थ जीवन और अच्छे जीवन स्तर का अधिकार क्यों नहीं है, इस सवाल को लेकर आज हमने सम्मान यात्रा शुरू की है। स्पष्ट बहुमत के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और मुखिया केजरीवाल राजधानी के सीएम बने थे। बावजूद इसके बीजेपी के पास तमाम आरोप हैं जो केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का इस पर प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।